जा तू भी वही जा जा जिस दर पर की बिगड़ी बनती है सबकी बिगड़ी बनती है जातू भी वही जा जा जिस दर पर बिगड़ी बनती है देख तेरी तकदीर बनाना देख तेरी जब मौज पे आई बोलहरे कतरे को, को समंदर कर डाला जब मौज पे आई बोलहरे कतरे को समंदर कर डाला ये उनकी रीत पुरानी है ये उनकी है खाली देखा उस भर डाला खाली देखा उस भर डाला ये चमक ये दमक फुल वन ममहत सब कुछ सरकार तुम्हें से है सब कुछ सरकार तुम्हें से है इठला के पवन चूमे सैया के चरण बदियन मा बहार तुम्हें से है यानी सारे बच्चे फटाफट से एक बार लाइक का बटन ठोक दो जी सबके लाइक आने चाहिए जितने बच्चे इस टाइम लाइव बैठे हैं उन सबका एक एक लाइक आना चाहिए फटाफट से मेरे सुख दुख की रखते हो खबर मेरे सर पर साया तुम्हारा है हेलो हेलो वन टू थ्री माइक चेक हेलो 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 मेरे सुख हेलो हेलो बर, सारे बच्चे, मेरे बच्चे, बच्चे, लाइक है। मेरी नैया के खेवन हार तुम्हें तुम मेरा बेड़ा पार तुम्हें सब कुछ तुम्हें हेलो हेलो वन टू थ्री हेलो वन टू थ्री हेलो हेलो मैं तो भूल गई कुछ भी कहना तोरी रोत है नीत है मैं तो भूल गई कुछ भी कहना तोरी प्रीत में रोत है रग में बसी है प्रीत दूरी रग रग में बसी है प्रीत तोरी। में बाहर तुम्हारी है गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग क्या हाल चाल है बढ़िया एकदम मस्त मौज बहार गुड इवनिंग अंकिता गुड इवनिंग ज्योति गुड इवनिंग दिशांत गुड इवनिंग वैभव हंसिका प्रखर गुड इवनिंग यशपाल रितिका जया रिद्धि प्रिंस ऋतु अमन अमित काजल दिव्या अर्जुन रिद्धि खुशबू अंकित ज्योति कुमकुम साक्षी वो बैकवर्ड एरिया वाला खत्म हो चुका है जी अब खत्म हुए दो साल हो गए उस चीज को तो। पलक, निशा, good evening, पाल साहब, चलो री, री फिर फटाफट से अपनी रिवीजन क्लास स्टार्ट करते हैं गुड इवनिंग गुप्ता सॉरी अलाइस गुप्ता गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे बच्चे गुड इवनिंग जी आवरी फटाफट से आ जाओ फिर अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं अब आज हमारी क्लास नंबर एटीन आई थिंक हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नंबर एटीन है हमारी सत्रह क्लास हमारी हो चुकी हैं और आई थिंक रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर सबने देख लिया होगा और आज वाली क्लास में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज आर और आर के लिंकिंग करेंगे एग्जमशन के साथ ठीक <coughs> है जी तो हम चैप्टर आर वाला भी डिस्कस करेंगे साथ में जहां जहां एग्जम्शन के इंटरलिंकिंग होगी उसको भी डिस्कस करेंगे और आज चैप्टर हमारा पूरा खत्म नहीं होगा ले लो आज हम आधा खत्म कर देंगे फिर कल फाइनली इसको हम खत्म कर देंगे विद क्वेश्चन ठीक है ना तो कल इसको हम क्वेश्चन खत्म कर देंगे आज हम पूरा खत्म नहीं करेंगे बस ये पर ध्यान दूज गुड इवनिंग सोम्या गुड इवनिंग मेरे बच्चे गुड इवनिंग अगर मैं गुड इवनिंग ही बोलता रह गया तो क्लास हम स्टार्ट कैसे करेंगे ये बताओ चलो क्लास तो स्टार्ट करनी पड़ेगी ना मेरे भिंडी कलर के बच्चों क्या कहती है पब्लिक बोलो मेरे बच्चों क्लास स्टार्ट तो करनी पड़ेगी ना आ जाओ फटाफट से आ जाओ जी रिवीजन कब खत्म होगी आपके एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए आज हमारे अट्ठारह लेक्चर हो चुके हैं तो मेरा प्लान है कि इसको हम खत्म कर दें मतलब 18 और यहाँ से आप बारह दिन और लगा लो तो हो सकता है कि मतलब उन्नीस या बीस तारीख को ख़त्म हो जाए मतलब कोशिश मेरी ये है कोशिश मेरी ये है जी ओहो अमित अमित देखो अमित भाई साहब वो कहते हैं ना वो बुआ नहीं होती एक बुआ एक बच्चे ने बोला रेगुलर बैच वालों को भूल गए हो क्या अमित कह रहा है सर लाइव वालों से प्यार करते हैं ये तो ना बुआ होती है जो कान भरती है एक दूसरे के कि उसमें जले में वो कहते हैं उसको घी डालने वाला काम ले और भड़क जा तू ये वो अमित है नालायक चलो जी अब आ जाओ फटाफट से प्लीज बातचीत बंद करो सर जीएसटी के समरी नोट्स चाहिए थे देखो समरी नोट्स आपको मिल जाएंगे और समरी नोट्स ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम पे डले हुए हैं आप एक बार जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं वो आप साथ साथ मैं करवा रहा हूँ जी आपको कुछ ठीक है जी चलो जी नहीं 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 दो घंटे का पॉसिबल नहीं है मेरे बच्चे आपके कहने से नहीं हो सकता ना आप तो कहोगे चार घंटे बैठ जाओ बट मेरे को भी तो देखना है मेरी सुबह आठ बजे क्लास होती है पूरे सुबह आठ से लेकर रात को दस बजे तक क्लास होती है आप तो अभी क्लास लेते हो ठीक है मैं तो सुबह से क्लास दे रहा हूँ ना मेरे बच्चे तो मैं एक घंटे से ऊपर अभी ले नहीं पाऊंगा बट कोशिश करूंगा सिलेबस आपका सही टाइम पे खत्म हो जाए या मेन मेन चैप्टर आके मैं सारे खत्म करवा दूंगा अगर छुटपुट कोई चैप्टर बचेंगे तो देख लेंगे उसको जी एक बार दोबारा सेंड कर दूंगा जी एक बार दोबारा से चलो आ जाओ फटाफट से आ जाओ जी एक बार पहले ऐसा करो मैं कोई बताओ हाह चैप्टर हमें स्टार्ट कौन सा करना है चैप्टर का नाम बताओ जी हाँ जी हाँ जी भाग्यश्री कराऊंगा कराऊंगा जी अच्छा कल ध्यान सुनना कल शाम को छः बजे एक अनाउंसमेंट आने वाली है मैं इनकम टैक्स की मैराथन रखने जा रहा हूँ नहीं हुई खुशी कल शाम को छः बजे सुनना फिर कल शाम को छः बजे बस तुम अनाउंसमेंट सुन लेना मैं अभी डेट नहीं बता रहा मैं मैराथन कब रखूँगा कितने से कितने बजे तक होगी वो कल तुम शाम को छः बजे देखोगे और मेरा इतना वादा है तुम्हें तो बहुत मजा आने वाला है कल शाम को छः बजे गलती से भी मिस मत कर देना बस ये बात ध्यान दो जी ठीक है और जितना हो सके मैं आपको एक बात बोलूँगा देखो जब मैं मैराथन लूँगा ऑब्वियस फ्री होगी एक रुपया भी नहीं है ये सारा रिविजन क्लास भी फ्री है तो आपसे बस एक इतनी सी हेल्प चाहता हूँ जितने बच्चे भी इस टाइम लाइव बैठे हैं आई थिंक इतना तो को कहते हैं ना गुरु दक्षिणा या रिवॉर्ड दे सकते हैं अगर आपको अनाउंसमेंट अच्छी लगे तो हर बच्चे के साथ आपने शेयर करनी है जिसके अभी एग्जाम है और हो सके तो अपने अपने स्टेटस पे अपने अपने टेलीग्राम पे अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सब में डालनी है क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मैं मैराथन लूँ ऑल ओवर इंडिया का हर बच्चा उसका बेनिफिट ले और मैं इतना आपसे वादा कर रहा हूं कि आफ्टर मैराथन ना आपको इनकम टैक्स में बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगी इतना आपसे वादा कर रहा हूँ ठीक है वो कब होगी टाइमिंग क्या होगी वो नहीं बता रहा कल तुम शाम को छह बजे देख लेना जी कल तुम शाम को छह बजे देख लेना जी जी ठीक है चलो ठीक है हाँ बस वैभव कल पता लग जाएगा ठीक है जी चलो अब एक बार फटाफट से आ रहा हो जी इधर सुनो ध्यान से अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ अब हम चैप्टर स्टार्ट करना है जी आर का अब सारे के सारे बच्चे बातचीत बंद कर दें अब यहाँ पे एक बार सारे बच्चे देखें जी हमने चैप्टर स्टार्ट करना है आर का और साथ में चैप्टर स्टार्ट करना है एग्जामिशन का ये चैप्टर पहले मैं बोल दूं ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ऐसा सिंगल अटेम्प्ट भी नहीं जाएगा जब इसमें से क्वेश्चन ना बने मतलब कम से कम कह रहा हूँ कम से कम ज्यादा मेरे को नहीं पता बट कम से कम कह रहा हूँ कम से कम पांच से लेके आठ नंबर तक की वेटेज जो है ना वो इस चैप्टर की है ठीक है मैंने कम से कम बोला है दस नंबर का भी हो सकता है इवन पंद्रह नंबर तक भी हो सकता है इवन बीस नंबर तक भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है बट कम से कम पाँच से लेकर आठ नंबर तक का चैप्टर बनेगा आरसीएम प्लस में एग्जामेशन का बस ये बात ध्यान देना चाहिए ठीक है जी हमने क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा हुआ है बट अब रिविजन करने का टाइम है तो मैं कोशिश करूंगा कि रिविजन में आपको बहुत बढ़िया तरीके से करवा दूँ अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है एक बात मेरे को बताओ आपको मैंने कहा था जीएसटी के ना आपके तीन चार्जिंग सेक्शन है एक तो आपका सेक्शन नंबर नाइन है चार्जिंग सेक्शन एक आपका सेक्शन नंबर फाइव चार्जिंग सेक्शन है और एक आपका सेक्शन नंबर सेवन जो है वो चार्जिंग सेक्शन है नाइन किसका है नाइन चार्जिंग सेक्शन है सीजीएसटी का फाइव किसका है फाइव आपका आईजीएसटी का है और अगर सेवन जो है वो सेवन आपका यूटीजीएसटी का है बट हमने क्लास में ये डिस्कस नहीं किया था हमने क्लास में ये डिस्कस नहीं किया था हमने क्लास में ये डिस्कस किया था क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो ये सेम कॉपी है इसकी बस ये पर ध्यान दो मतलब हमें नाइन डिस्कस करना है अगर नाइन हो गया तो फाइव हो गया फाइव हो गया तो सेवन हो गया वो ऑटोमेटिकली दोनों सेक्शन हो गए बट आपके दिमाग में होना चाहिए कि नाइन आपका सी जी एस टीक है फाइव आपका आईजीएसटी का है सेवन आपका यूटीडीएसटी का है एसडीएसटी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो एसडीएसटी क्या है हर एसडीएसटी में अलग अलग सेक्शन है बट सेक्शन उसकी लैंग्वेज भी सेम है बट वो हमें चेक नहीं करना कि वो सेक्शन कौन सा है तो मैं तीन आपके दिमाग में हो नाइन हो गया फाइव हो गया सेवन हो गया अब अगर मैं बात करूंगा सेक्शन नंबर नाइन की तो सेक्शन नंबर नाइन जो हमने स्टार्ट किया चार्जिंग सेक्शन या तो उसके टोटल मिला के ना सब सेक्शन हमने क्लास में किए थे एक तो नाइन वन हमने क्लास में किया था एक नाइन टू हमने क्लास में किया था एक नाइन थ्री हमने क्लास में किया था एक नाइन फोर हमने क्लास में किया था एक नाइन फाइव हमने क्लास में किया था याद करो नाइन वन है नाइन वन बिल्कुल बेसिक है कि जीएसटी कब लगेगा किस पे लगेगा किस वैल्यू पे लगेगा वैल्यू कैसे निकालेंगे किस रेट से लगेगा ये सारी के सारी बातें आपकी नाइन वन में निकल के आती हैं नाइन टू क्या बोलता है नाइन टू कहता है कि जो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं जो पेट्रोल वाले गुड्स हैं उस पर जीएसटी कब से एप्लीकेबल होगा वो सारी की सारी बातें नाइन टू में निकल के आती हैं फिर नाइन थ्री है आरसीएम का मतलब रिवर्स चार्ज वाले केस में रिवर्स चार्ज वाले केस में जीएसटी के सारी की -सारी थ्री में है। और नाइन फोर भी आपके का है। फोर भी किसका है आरसीएम का है किसी काम का नहीं है नाइन फोर का रिवर्स चार्ज हमें कवर नहीं करना हमें नाइन थ्री का कवर करना है। रीजन क्योंकि सारे रिवर्स चार्ज जो है वो है ही नाइन थ्री के अंदर मतलब जो भी आपके रिवर्स चार्ज हैं वो नाइन थ्री के अंदर निकल के देखना है उसके बाद एक नाइन फाइव है जहाँ पर मैंने क्लास में कहा था कि ना तो सप्लायर जीएसटी पे करेगा ना रिसीवर जीएसटी पे करेगा थर्ड पार्टी जीएसटी पे करेगी थर्ड पार्टी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो ईसीओ होंगे वो जीएसटी पे करेंगे ये सारी के सारी बातें आपके नाइन फाइव के अंदर निकल के आती हैं बस ये ध्यान दूज तो मतलब हमें नाइन वन यहाँ पे डिस्कस करना है नाइन टू हमें डिस्कस करना है नाइन थ्री हमें डिस्कस करना है नाइन फाइव में डिस्कस करना है नाइन फोर का मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा बस ओवरव्यू सुन के दिमाग में एक बार बस सेट कर लेना अदरवाइज आपको उसके ऊपर अंदर घुसने की रिक्वायरमेंट नहीं है बस ये पर ध्यान दो अब एक बार सबसे पहले ना फटाफट से एक बार नाइन वन देखते हैं नाइन वन में क्या था याद करो नाइन वन ये बात कहता है नाइन वन में क्या लिखा होता है नाइन वन ये बात कहता है कि अगर मान लो आपने सप्लाई की हरी अगर आपने सप्लाई की तो सप्लाई पर हम एप्लीकेबल क्या करेंगे जी उस अगर मान लो वो सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तो सी जी एस टी अप्लीकेबल कर देंगे अब सी जी एस टी एल्कोहलिक लीकर की सप्लाई पर एप्लीकेबल नहीं करेंगे जो वैल्यू तुम सेक्शन 15 में निकालोगे उस वैल्यू पर हम जी एस टी एप्लीकेबल करेंगे और जीएसटी का हाइएस्ट रेट जो होगा वो ट्वेंटी परसेंट होगा बस ये पर ध्यान दो अच्छा यहाँ पर ना बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं वो ये कहते हैं सर जी एस टी का रेट चौदह परसेंट है या जी एस टी का रेट बीस परसेंट आप सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ याद करो मैंने कहा था जीएसटी के ना

फिर अंडर आई जी एस टी हाइएस्ट कितना है चालीस परसेंट है तो अगर वो किसी एक्ट के नाम से पूछ रहे हैं ना तो गलती से भी फोर्टीन फोर्टीन ट्वेंटी एट मत बोल के ना बस ये पर ध्यान दो इट मीज अगर मैं एट प्रेजेंट की बात करूंगा तो फोर्टीन है ट्वेंटी एट है, है अगर मैं एज पर एक्ट बात करूंगा तो वो रेट हमारा ट्वेंटी परसेंट है ट्वेंटी परसेंट है फोर्टी परसेंट है अगर आप चेक करोगे चार्जिंग सेक्शन में उसमें क्लियरली लिखा है कि आपका हाईएस्ट रेट जो है हम हाईएस्ट रेट अपलीकेबल करेंगे मैक्सिमम ट्वेंटी मतलब वो ट्वेंटी से ऊपर नहीं हो सकता बस ये पर ध्यान दो तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हाईएस्ट जो बनेगा वो ट्वेंटी बनेगा तो ट्वेंटी ये फिर ट्वेंटी परसेंट एस डी एस या यूटीडीएसटी और अगर हाईस्ट बोलूंगा तो चालीस मतलब अभी जो अठाईस है वो चालीस तक आ सकता है बस ये पर ध्यान दो ये सारी बातें आपके नाइन वन में लिखी हैं उसके बाद फिर यहाँ पे जीएसटी देने वाला कौन होगा जी जीएसटी देने वाला कौन होगा टैक्सेबल पर्सन मतलब जो भी आपका टैक्सेबल पर्सन होगा वो यहाँ पे जीएसटी पे करेगा और टैक्सेबल पर्सन कौन होता है ऐसा पर्सन जो या तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन ट्वेंटी और ट्वेंटी वो टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा बस ये पर ध्यान दो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन एक बात मेरे को सोच के बताओ अगर आपने लास्ट क्लास में रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर थोड़ा सा सही ढंग से रिवाइज किया हो तो वहाँ पर ना मैंने कहा था तीन लिमिट होती है आपकी एक तो दस लाख रुपए की लिमिट होती है एक बीस लाख रुपए की लिमिट होती है एक चालीस लाख रुपए की लिमिट होती है आपको मैं थोड़ा वो तो रिकॉल करवा दूँ दस लाख की लिमिट कहां पे होती है चार स्टेट में दस लाख रुपए की लिमिट होती है कौन कौन सी आपका नागालैंड मणिपुर मिजोरम नाग, मनी को और त्रिपुरा इन चार स्टेट में लिमिट कितनी होती है दस लाख रुपए की चाहे तुम गुड्स में डील करो चाहे वो सर्विस में डील करो इन चार स्टेट में दस लाख की लिमिट है फिर आपकी छह स्टेट ऐसी हैं जहां पर ऑलवेज बीस लाख रुपए की लिमिट है अब वो छह स्टेट कौन सी निकल कर आ रही है आई थिंक मैंने कहा था पीएसयू और एटीएम तो पीएसयू एटीएम का मतलब क्या होता है पुडुचेरी और फिर यहाँ पे पुडुचेरी हो गया सिक्किम हो गया उत्तराखंड हो गया अरुणाचल प्रदेश हो गया तेलंगाना हो गया और, और यहाँ पे मेघालय हो गया इन छह स्टेट में लिमिट 20 लाख की होती है चाहे तुम गुड्स में डील करोगे चाहे तुम सर्विस में डील करोगे फिर बाकी अदर स्टेट में अगर सर्विस में डील करोगे तो लिमिट बीस लाख की है गुड्स एंड सर्विस में डील करोगे लिमिट बीस लाख की है अगर गुड्स में डील करोगे और गुड्स वो सात गुड्स हैं उन सात गुड्स वाले के में लिमिट बीस लाख की है अगर अदर गुड्स में डील करोगे तो लिमिट लिमिट लाख 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 की की है 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 मेरा पूरी क्लास में इतना सा क्वेश्चन ये दस और दस बीस और की लिमिट है। क्या ये और और रुपए क्या जीएसटी ना देने की लिमिट है या रजिस्ट्रेशन ना करवाने की लिमिट है सारे बच्चे उसमें कोई आंसर दे दें जो ये दस जिया देखो क्लास मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है अगर आप बोलोगे तो मैं कान भी पकड़ लूंगा बट वो क्लास अब पब्लिक नहीं होगी सर आप समझो पीजीपी की क्लास मैं रेगुलर बैच की कैसे पब्लिक कर दूंगा आप मेरी प्रॉब्लम भी तो समझो ना रेगुलर बैच कैसे पब्लिक होगा एक तो मैं लाइव ले रहा हूँ पूरे यूट्यूब के लिए आप पास आप अगर लाइव अटेंड करने का टाइम नहीं है तो बताओ मैं क्या करूँ बताओ ठीक है इधर सुनो ध्यान से और बीच में बार बार मैसेज करोगे ना उसका कोई फायदा नहीं है फिर आपका तो आपसे रिक्वेस्ट है सुबह जल्दी उठ जाया करो सारी देखो जितने जिसने पढ़ना होता है वो हम भी सुबह उठते हैं हम भी सुबह से लेकर शाम तक क्लास देखते हैं और वो एकदम प्राइवेट नहीं होती क्लास हाँ जी इधर देखो से मेरे को फटाफट से बताओ जी मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है अब यहाँ पे आपको मैं क्या करता हाँ ये दस बीस और चालीस लाख रुपए की लिमिट जो है क्या ये जीएसटी ना देने की लिमिट है या रजिस्ट्रेशन की लिमिट है ये लिमिट है रजिस्ट्रेशन की मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ तो गलती से ना ये मत बोल देना गलती से यह मत बोल देना कि ये जीएसटी ना देने की लिमिट है गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि ये जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की लिमिट है अब राधिका मुझे आंसर देगी राधिका श्वेता नेहा खुशबू चांदनी ये पांचों मुझे आंसर देंगे अगर मान लो मेरा अगर मेरी टर्न ओवर लाख रुपए है सारे बच्चे बोल देना अगर मेरी टर्नओवर पाँच लाख रुपए है तो क्या मैं अपनी मर्जी से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूं यस या नो अगर मेरी टर्न ओवर पांच लाख रुपए है सोच के बोलना अगर मेरी टर्न ओवर पांच लाख रुपए है क्या मैं अपनी मर्जी से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूं यस yes या नो यस yes करवा सकता हूं अच्छा अगर मैंने करवा लिया तो क्या पांच लाख के बाद ही मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूं अपनी मर्जी से श्वेता मुझे आंसर दो क्या मैं अपनी मर्जी से विराट कह रहा है यस निधि कह रही यस भाग्यश्री कह रही यस अच्छा एक बात मैं को बताओ, आपने बोला यस करवा सकते हो मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन अगर मैं करवा सकता हूं तो क्या मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा क्या मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा पे कर मतलब पांच लाख के बाद जीएसटी पे करना पड़ेगा बट ऐसा तो आपने अभी बोला कि दस बीस चालीस लाख की लिमिट है बस मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जीएसटी में जीएसटी देना या ना देना किसी एग्जामशन लिमिट पे डिपेंड नहीं करता रजिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है अगर तुम रजिस्टर्ड हो अगर तुम रजिस्टर्ड हो तो तुम टैक्सेबल पर्सन हो अगर तुम टैक्सेबल पर्सन हो यू हैव टू पे पे जीएसटी वही यहां लिखी है बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूं तो भाई एक बात अपने दिमाग में सेट कर लो अगर तुम जीएसटी में रजिस्टर्ड हो चुके हो यू हैव टू पे जीएसटी बस ये बात ध्यान दो क्योंकि आप टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में आ गए हो और चार्जिंग सेक्शन कह रहे हैं टैक्स शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन जो टैक्सेबल पर्सन होगा वो जीएसटी पे करेगा बस ये बात बात ध्यान दो क्या मेरी समझ में आ रही पर चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड जबरदस्त यार अब अगले पॉइंट पर आओ अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि भाई पेट्रोल पे जीएसटी जो है ना पेट्रोल पे जीएसटी तब लगेगा जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी तो जो भी आपके फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं जो भी आपके फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उन पे जीएसटी कब एप्लीकेबल करेंगे जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी ना उस दिन से पेट्रोल पे जीएसटी लगेगा उससे पहले पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगेगा यह बात आपकी नाइन टू में लिखी है अब मेन काम कुछ तो बोलो ना पांच पेट्रोल वाले गुड्स कौन कौन से निकल के आ रहे हैं पेट्रोलियम क्रूड हो गया हाई स्पीड डीजल हो गया मोटर स्पीड मतलब पेट्रोल हो गया नेचुरल गैस हो गया एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया मतलब आपका पेट्रोलियम क्रूड हो गया हाई स्पीड डीजल हो गया फिर आपका पेट्रोल हो गया फिर आपका यहां पे आपका नेचुरल गैस हो गया और फिर आपका एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया तो भाई साहब पान खा लिया मैंने पान और पान खा के जो मैंने एचपी किया है पता नहीं एचपी का मतलब क्या होता है बट जब मैंने पान खाया जब मैंने पान खाया और उसके बाद जो मैंने एचपी किया मैं तुम्हें बता नहीं सकता भाई सिंबल्स सी बात है याद कर लो ये मैंने बैठे बैठे तुक्का मारा है याद हो रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है नहीं हो रही तो बस पान खा के एच पी कर देना कहीं पर भी जाना पान खा के एच पी कर देना बस ये पर ध्यान दो एच पी मैन ये क्या है चलो तो जो भी है पान खा के एच पी कर दो या तुम ए, 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 ए जो भी कर दो यार तुम बात खत्म याद करने से मतलब है ठीक है जी तो तुम्हें याद होने चाहिए बात सिंपल से बात आ रही है अच्छी हाँ बस ठीक है चलो बहुत बढ़िया ओल पैडमैन मैन कहाँ से आ गया पैडमैन आ रहा कहीं से ए नालायक पैडमैन पैडमैन पैड कहाँ से आ रहा है पैडमैन बन भी नहीं रहा नालायक कहीं की पैडमैन मैन कहाँ से बन रहा है खुशबू कैसी बात कर रहे हो पैडमैन तो बन ही नहीं रहा हाय इतने गंदे बच्चे बैठे कह रहा पान खा के हग दी और मैं बोल ही नहीं पा रहा आगे लाइव चल रही यूट्यूब पे ना लायक को। कुछ तो रहम करो मेरे ऊपर तुम इधर सुनो ध्यान से चलो इस पे कोई इतना लड़ाई मत करो इस पे इतनी कोई लड़ाई वाली बात नहीं है एग्जाम में तुमसे पूछेंगे नहीं बट अगर पूछ लेंगे तो बस थोड़ा बहुत याद होना चाहिए बस ये बात ध्यान दुज ऐसे नालायक बच्चे बैठे हैं लाइव क्लास के अंदर मेरे से बुलवा रहे हैं इधर सुनो ध्यान से अब तुम अपने आप अप समझ लेना मैंने क्या बोला ठीक है जी अब तुम मेरे ख्याल अब अब नहीं तुम भूल पाओगे क्योंकि ना ऐसी लैंग्वेज तुम भूल नहीं पाते तुम्हें ना ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो तुम्हारी बिल्कुल फैमिलियर लैंग्वेज हो ना जैसे मैं कई बार लिखता हूँ मान लो मैं कहता हूँ जैसे वो मैं लिखता था रेजिडेंशियल स्टेटस में दो बेसिक कंडीशन है

ठीक नाइन थ्री हमारा रिवर्स चार्ज का अब अगर नाइन थ्री हमारा रिवर्स चार्ज का है तो नाइन थ्री में रिवर्स चार्ज समझो ध्यान से क्या है नाइन थ्री कहता क्या है नाइन थ्री कहता है कि गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालेगी

यात्रो एक तो मेरे गुड्स वाले केस में रिवर्सर कहां पर है पहला गुड्स निकल कर रहा है कैश्यू नट्स कैश्यू नट्स नोट शेल्ड और नोट पिल्ड तो कैश्यू नट्स नोट शेल्ड और नोट पिल्ड मतलब जो आपके रो काजू होते हैं उस पर रिवर्स है फिर दूसरा बीडी रैपर बीडी रैपर की सप्लाई पर रिवर्स है तीसरा टबैको लीव्स

इसमें बस एक मेन बात ध्यान देने वाली बात है कि ये एग्रीकल्चरिस्ट जो है अगर ये एग्रीकल्चरिस्ट सप्लाई कर रहा है तो रिवर्सल लगेगा अब एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब क्या होता है एग्रीकल्चरिस्ट में पहली बात ओनली इंडिविजुअल कवर होंगे ओनली एच कवर होंगे कब कवर होंगे अगर वो खेती कर रहे हैं कैसे खेती कर रहे हैं या तो ओन लेबर या मान लो फैमिली की लेबर से या कोई सर्वेंट कर रहा है बट अंडर दी पर्सनल सुपरविजन कवर होंगे और अगर वो वाले केस निकल के आते हैं तो मेनली आपके एग्जाम में मुझे इतनी उम्मीद नहीं है गुड्स वाला केस बनने की बट फिर भी आपको नाम याद होने बहुत जरूरी है कि हाँ भाई कहां कहां पर गुड्स वाले केस में आरसीएम लगेगा बस ये ध्यान बचे अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं अब मेन मुद्दा ही निकल क्या रहा है कि कौन कौन सी सर्विस वाले केस में आरसीएम है अब हमें यहां पर वो स्टार्ट करना है अब एक बार चेक करते हैं कौन कौन सी सर्विस वाले केस में आरसीएम है अब देखो सुनो ध्यान से आज मैं तुम्हें एंट्री जो करवा रहा हूं आज मैं तुम्हें जो एंट्री करवा रहा हूं ना सर्विस वाली देखो तेईस सर्विस हमें करनी है तेईस सर्विस हमें करनी है तेईस में से एक तो जीटीए वाली मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाली ठीक है जी थी? एक उसके अलावा गवर्नमेंट वाली मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाली एक एडवोकेट वाली मोस्ट इंपोर्टेंट एक तो ये वाली तो ये तीन एंट्री में तुम्हें कराऊंगा कल ठीक है जी थी? और बाकी जो भी बीस एंट्री है वो कोशिश करेंगे आज एक बार फटाफट से रिवाइज कर लें उस बीस एंट्री में क्या लिखा है अगर एक बच्चे बचेगी तो वो भी हम कल कर लेंगे बट हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि जो तो बीस एंट्री छोटी छोटी एंट्री है वो आज वाली क्लास में हम कंप्लीट कर लें अब सुनो ध्यान से कौन कौन सी एंट्री मैं तुम्हें करवाने जा रहा हूं अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान देना चाहिए इधर देखो ध्यान से अब यहां पे एक बार चेक करो लो जी इधर देखो ध्यान से ये वाली एंट्री कौन सी है ये लीगल सर्विस है पूरा मैंने डायग्राम क्लास के अंदर बनवाया बहुत बढ़िया तरीके वाला इसको हम कल वाली क्लास में कर लेंगे जी अगला फिर यहां पे आप यहाँ पे हम ये कर लेते हैं स्पॉन्सरशिप की सर्विस ठीक है जी अब आ जाओ एक बार सबसे पहली एंट्री मैं करवाना जा रहा हूं स्पॉन्सरशिप की सर्विस कि स्पॉन्सरशिप की सर्विस के ऊपर भी आरसीएम है अब स्पॉन्सरशिप की सर्विस कहती क्या वो सुनो एक बात मेरे को बताओ जैसे आज कल ना वो मैच चल रहे हैं और आई थिंक मैच चल रहे हैं हमारे आई के मैच चल रहे हैं अब आई के मैच चल रहे हैं तो आई के मैच चल रहे हैं तो अगर आपने आई प्लेयर्स की ड्रेस देखी हो तो आपने उन ड्रेस पे देखा है उन ड्रेस पे यहाँ पे अलग अलग ब्रांड के लोगो लगे होते हैं पहले ये बताओ किस किसने कभी ये बात देखी है जी एल्कोहल पे जीएसटी कभी नहीं है एल्कोहल पे जीएसटी कभी भी नहीं है पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ आईपीएल के जो आपने मैच देखे हैं तो आईपीएल के अगर थोड़े बहुत मैच या प्लेयर्स को कभी देखा है तो यहाँ पे अलग अलग लोगो लगे होते हैं ब्रांड के हाँ या ना सारे बच्चे फटाफट से बोलो यार क्या अलग अलग ब्रांड के यहाँ पे लोगो लगे होते हैं अरे नहीं देखी या देखी है तो यहाँ पे लोगो लगे होते हैं नहीं लगे होते लगे होते हैं तो अब एक बात बताओ अब उस लोगो लगाने के पैसे चार्ज क्यों होंगे नहीं चार्ज क्यों होंगे पैसे चार्ज क्यों होंगे इसको बोलते हैं स्पॉन्सरशिप की सर्विस अच्छा एक बात को और बताना जो आईपीएल है वो आईपीएल स्पॉन्सर कौन कर रहे हैं जी इतना तो पता होगा आईपीएल स्पॉन्सर कौन कर रहा है जो अभी हमारा आईपीएल चल रहा है उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है टाटा टाटा का कर कर रहा रहा है है अच्छा तो टाटा ने किसको पैसे दिये टाटा ने किसको पैसे दिये बीसीसीआई को पैसे दिये अब टाटा ने पैसे दिए बीसीसीआई को तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन आ रहा है ये मान लो टाटा कंपनी है ये बीसीसीआई है उसने कहा मैं स्पॉन्सर करना चाहता हूं टाटा ने फॉर एग्जाम्पल सौ करोड़ रुपए दिए बीसीआई को और बीसीआई ने कहा डन कि हम हम आपको स्पॉन्सर बना रहे हैं आप इसको स्पॉन्सर करो और तभी लिखा होता है टाटा आईपीएल मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है इन दोनों केस में सर्विस देने वाला कौन है और सर्विस लेने वाला कौन है बस ये क्लियर कर दो मेरे को सारे बच्चे बोल दो इन दोनों केस में सर्विस देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है सारे बच्चे मुझे फटाफट से आंसर दें इन दोनों केस में सर्विस देने वाला और लेने वाला कौन है जल्दी बोलो इन दोनों केस में सर्विस देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है सर्विस देने वाला बीसीसीआई है सर्विस लेने वाला जो है वो टाटा है मैं दोबारा बोल रहा हूं पैसा देने वाला जो होता है ना देने वाला वो रिसीवर होता है तो पैसा देने वाला कौन है टाटा तो टाटा रिसीवर है पैसा लेने वाला कौन है बीसीआई तो ये कौन हो गया प्रोवाइडर हो गया तो ये तो बन गया प्रोवाइडर और ये बन गया रिसीवर अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि यहां पर बीसीआई ने सर्विस दिया टाटा को यहां पर बीसीआई ने स्पॉन्सरशिप की सर्विस दिया टाटा को तो इस पर जीएसटी जो है ना वो बीसीआई पे नहीं करेगा टाटा पे करेगा आपको मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दिया अभी का आपको मैंने अभी का भी दिया अच्छा एक बात और बताता हूं। चलो ये आईपीएल को छोड़ दो आईपीएल इंडिया के या टेस्ट मैच चलते हैं इस टाइम इंडियन क्रिकेट प्लेयर की ड्रेस होती है उसको स्पॉन्सर कौन, कौन कर रहा है जो इंडियन क्रिकेट प्लेयर की ड्रेस होती है उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है जो हमारे इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं, जो उनकी ड्रेस होती है मेरे को बस ये तो, उनको स्पॉन्सर कर रहा है उनको कर रहा है एडिडास आप ना वहां पर एडिडास की पट्टियां लगी होती हैं, तीन एडिडास की लगी होती है और अभी लेटेस्ट में एडिडास ने उसका मतलब पहले तो था पहले बाईजूस था फिर अभी एडिडास आया है. अब एडिडास ने पैसे किसको दिए होंगे बीसीआई को अगेन सर्विस देने वाला कौन है बीसीआई लेने वाला कौन है एडिडास है तो एडिडास यहां पर जीएसटी पे करेगा बीसीआई जीएसटी पे नहीं करेगा बस ये ध्यान दो हेलो भाई साहब ड्रीम इलेवन तो खत्म हो गया तो। अब ये तो मेरे वो, है ना? वो नहीं है एडिडास भी तो है पेटीएम थोड़ा यार मेरे ख्याल से तो खत्म हो गया ड्रीम इलेवन और हा ड्रीम इलेवन भी हो सकता है

अगर स्पोर्ट्स को ये ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं तो ये स्पॉन्सरशिप की सर्विस एग्जाम था किस किस केस में पहला एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी फिर आगे सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चर एंड स्पोर्ट्स ब्रांड फिर पंचायत युवा क्रीडा एंड खेल अभियान स्कीम फिर पार्ट ऑफ नेशनल गेम्स बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और बाय नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन वेयर पार्टिसिपेटिंग टर्म्स है और इंडिविजुअल रिप्रेजेंट एनी डिस्ट्रिक्ट स्टेट जोन और कंट्री ध्यान रखना बी इसमें कवर नहीं होता बीसीआई पहले इसमें कवर होता था अब बीसीआई यहां पे कवर नहीं होता मतलब बीसीआई के के केस में स्पॉन्सरशिप की सर्विस टैक्सेबल होती है तो बहुत सारे बच्चे यहां पे ना गलत ले लेते हैं कि सर नेशनल स्पोर्ट्स नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में क्या बीसीआई कवर होगा आंसर नो पहले कवर होता था बट अब वो यहां पे कवर नहीं होता तो अगर मान लो ये लोग स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं इनमें से कोई भी तो स्पॉन्सरशिप एग्जाम है अगर इनके अलावा मैंने एग्जाम्पल दिया बीसीआई का ठीक है अब इस केस में आपका क्या लगेगा टैक्स लगेगा अब यहां पे चेक करो तो टैक्सेबल है प्रोवाइडेड टू बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म अगर सर्विस देने बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फॉर्म को तो टैक्सेबल होगा आर सी और अगर ये सर्विस दी जा रही है इंडिविजुअल मतलब अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप को लाइक इंडिविजुअल को तो टैक्सेबल होगा फॉरवर्ड चार्ज के अंदर बस ये पास ध्यान दो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जी आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देना जैसे मान लो मेरा कई बार मन करता है कि काश वी स्टडी हब का नाम ना बहुत ज़्यादा हो मतलब मेरे पर्सनल ब्रांड का या मतलब जैसे मैं सीए ए सी ए में सी में हूँ तो अल्टीमेट सीए तो वो मतलब मतलब अपने एक ब्रांड का नाम ना बढ़ जाए तो मैंने कहा यार मेरा मन कर रहा है कि काश ऐसे ऐसे कोहली ऐसे ऐसे कोहली दौड़े ऐसे ऐसे धोनी दौड़े और यहाँ लिखा हुआ है सीए विवेक गाबा ओ माई गॉड ओ माई गॉड बच्चा कह रहे पता है कितने रुपए लगेंगे सौ करोड़ रुपए लेते हैं बी सी वाले मैंने कहा काश मेरे पास एक दिन सौ करोड़ रुपए आ जाए चाहे अभी मेरे पास एक करोड़ भी नहीं है पचास लाख भी नहीं है सरचार्ज के नीचे रिबेट रिबेट मेरे को रिबेट मिलती है बट मैं कहना क्या कह चाह रहा हूं कि एक दिन क्या पता ऐसा हो जाए तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लो अब ये सर्विस उन्होंने एक इंडिविजुअल को दी है तो इस केस में गवर्नमेंट ये बात कहती है कि आपकी टेक्सीबिलिटी जो होगी वो फॉरवर्ड चार्ज में होगी वो, हो वो रिवर्स चार्ज में नहीं होगी बस ये ध्यान दो इट मीनस अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस अगर इंडिविजुअल को दी जा रही है मतलब बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं दी जा रही पार्टनरशिप हमको नहीं दी जा रही उस केस में फॉरवर्ड चार्ज की बातें होंगी बस ये पर ध्यान देना चाहिए पैसा देगा वो सीपीएम जो पैसे लेगा वो सप्लायर बिल्कुल सही बात है बिल्कुल 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 सही बात है ठीक है जी चलो अब यहां पे देखो जी तो वही बात यहां पे लिखी है कि अगर हमें सर्विस देंगे तो फॉरवर्ड चार्ज में कवर है एक एंट्री हमारी खत्म हो चुकी है अगला आ जाओ डायरेक्टर की सर्विस ये बिल्कुल सिंपल है अब डायरेक्टर की सर्विस पर भी आर है अब यहां पर ना बस तरफ देखो सारे बच्चे इधर देखो अनुराग कह रहे सर एक बार और समझा दो ओ माई गॉड अनुराग देख भाई अगर

अब अगले पॉइंट पर आओ अगला पॉइंट क्या है जी अब नेक्स्ट पॉइंट देखो डायरेक्टर की सर्विस सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो मेरी आंखों में देखो मेरी आंखों में हेलो भाई साहब अंकल ओए इधर अब सुनो अगला पॉइंट क्या है डायरेक्टर की सर्विस अब गवर्नमेंट कह रही है डायरेक्टर की सर्विस में ना दो केस हैं या तो डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉई है या कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है अब अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है तो सिंपल सी बात है अगर वो एम्प्लॉय नहीं है ना तो फिर तो भाई वो जीएसटी पे करेगा और वो जीएसटी आरसीएम के अंदर पे करेगा पहला पॉइंट तो ये दिमाग में डाल लो आप सब जानते हो इनडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी का एंप्लॉय नहीं होता अब अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है कंपनी को सर्विस दे रहा है तो जो पैसा मिलेगा उस पर जीएसटी लगेगा और आरसीएम में लगेगा कंपनी जीएसटी पे करेगी डायरेक्टर जीएसटी पे नहीं करेगा पहली पॉइंट तो ये ठीक है पहला पॉइंट तो ये सेकंड पॉइंट पर हो सेकंड पॉइंट क्या निकल के आ रहा है सेकंड पॉइंट ये निकल के आ रहा है सेकंड पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि अगर डायरेक्टर अगर डायरेक्टर सर्विस दे रहा है और डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई में दो केस होंगे एम्प्लॉय में दो केस होंगे या तो कंपनी से मिलने वाला पैसा उसको सैलरी में कवर हो रहा है या मिलने वाला पैसा सैलरी में कवर नहीं हो रहा है अब अगर मिलने वाला पैसा सैलरी में कवर हो रहा है फिर तो याद करो शेड्यूल टू टू एम्प्लॉयर इन इन द कोर्स और और रिलेशन एम्प्लॉयमेंट वो काम गुड्स सर्विस में कवर ही नहीं है तो जीएसटी लगेगा ही नहीं बट अगर डायरेक्टर एम्प्लॉई है बट जो वो काम कर रहा है वो इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट में नहीं है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा है एम्प्लॉयमेंट वाली कैपेसिटी में नहीं कर रहा तो गवर्नमेंट ने कहा उस केस में जीएसटी लग जाएगा और आरसीएम में जीएसटी लग जाएगा बस ये पर ध्यान दो जी तो सिंपल सी बात ये निकल के करोई है बट वो उसको मिलने वाला पैसा सैलरी में कवर नहीं है फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल फीस ले रहे उस केस में जीएसटी लगेगा और आरसीएम में जीएसटी लगेगा ये गवर्नमेंट यहां पे कहना चाह रही है देखो यहां पे क्या कहना चाह रही है सर तो आंखों में देखेंगे तो प्यार हो जाएगा ओ माय गॉड इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो प्यार हो जाएगा देखो यहां पे डायरेक्टर है यहाँ पे कंपनी है एम्प्लॉई है नोट एन एम्प्लॉई है अगर अगर नोट एन एम्प्लॉई है तो पहले तो नोट एन एम्प्लॉई में यहाँ पे जीएसटी लगेगा और आरसीएम में लगेगा अगर एम्प्लॉई है दो केस हैं या तो सैलरी ट्रीट कर रहे हैं या सैलरी ट्रीट नहीं कर रहे हैं अगर सैलरी ट्रीट कर रहे हैं टीडीएस कटेगा वन में इनकम टैक्स में तो ना वो गुड्स की सप्लाई ना वो सर्विस की सप्लाई जीएसटी नहीं लगेगा अगर सैलरी ट्रीट नहीं कर रहे तो भाई साहब उस पर जीएसटी लगेगा और आर में जीएसटी लगेगा बस ये पर ध्यान दो ये हमारा सेकंड पॉइंट निकल के आ रहा है क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है जल्दी बोलो फटाफट से अरे बोल भी दो थोड़ा सा हंस के दिखा दो थोड़ा सा थोड़ा सा आ, आ, तेरी क्या बात है बहुत बढ़िया जी वेरी गुड जबरदस्त अब अगले पॉइंट पर आओ अरे अभी एग्जाम के अंदर भी आएगा इसमें से इसमें से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी आएगा भाई साहब लिख लो आज तारीख है आठ अप्रैल एग्जाम के अंदर डायरेक्टर वाला क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन क्या बनेगा मिल रहा है वो सैलरी में कवर नहीं है तो क्योंकि वो एग्जाम तो तब है अगर वो सर्विस दे रहा है इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट में अगर सर्विस देगा तो जीएसटी नहीं लगेगा बस ये पर ध्यान दो अगले पॉइंट पर आओ अगला देखो इंश्योरेंस एजेंट अब अगर इंश्योरेंस एजेंट है अगर इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस देगा तो इंश्योरेंस कंपनी वाले जीएसटी पे करेंगे एजेंट जीएसटी पे नहीं करेगा तो बिल्कुल सिंपल है, है ये तो बिल्कुल सिंपल है ये बिल्कुल सिंपल है इसमें कोई खास दिक्कत तो नहीं है ना तो आज बड़े बड़े इंश्योरेंस एजेंट होते हैं वो हमें इंश्योरेंस देते हैं बट एक्चुअली में वो सर्विस किसको दे रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को तो जो भी कमीशन उनको मिलता है उस कमीशन पे जीएसटी कंपनी वाले पे करेंगे उस पर इंश्योरेंस एजेंट जीएसटी पे नहीं करेगा बस ये पास ध्यान दोजे यस करिश्मा यस अगले पॉइंट पर आओ अब अगला पॉइंट देखो अगला पॉइंट एक और पेपर एक और क्वेश्चन लिख कर रहा हूं एक और क्वेश्चन लिख कर रहा हूं भाई एक और क्वेश्चन लिख कर रहा हूं एक क्वेश्चन और लिख कर रहा हूं कॉपीराइट वाला लिख लो कॉपीराइट की सर्विस भी इस बार एग्जाम के अंदर मेरे को बनने के पूरे पूरे चांस है मैं जो बताता जा रहा हूं ना लिख लो भाई साहब तुम मेरी जुबान पे विश्वास कर लो मैं सही बता रहा हूं ये सरस्वती माता बैठी है इस मेरी जुबान पर मैं तुम्हें बता रहा हूं उन्होंने बोल दिया मुझे कह रहे दो सर्विस तो बोल दे डायरेक्टर और कॉपीराइट ठीक है जी तो कॉपीराइट की सर्विस के ऊपर भी आरसीएम लगेगा बट कॉपीराइट वाले केस में दो केस हैं हैं कॉपीराइट वाले केस केस में दो अब कॉपीराइट वाले केस में दो केस कौन कौन से निकल के आ रहे हैं पहला अगर ध्यान रखना अगर म्यूजिक कंपोजर अगर म्यूजिक कंपोजर कॉपीराइट की सर्विस दे रहा है म्यूजिक कंपनी को या फोटोग्राफर सर्विस दे रहा है कॉपीराइट की किसी प्रोड्यूसर को और दी लाइक तो ऐसी अगर कोई सर्विस किसी दूसरे को दे रहे हैं तो गवर्नमेंट ने कहा उसमें जीएसटी ये म्यूजिक कंपनी और ये प्रोड्यूसर पे करेंगे ये ये म्यूजिक म्यूजिक कंपोजर और फोटोग्राफर पे नहीं नहीं करेगा बस ध्यान दो जी एक एक बात मैं को को बताऊं याद हमने एक बनाया था मेरे को नहीं मेरे पता रेगुलर बैच वाले स्टेम कितने बच्चे सामने बैठे हैं याद करो हमने एक म्यूजिक बनाया था पीजीपी के चैप्टर में याद है पीजीपी के चैप्टर में एक म्यूजिक बनाया था हमने पीजीपी के चैप्टर में तो कौन से खर्चे ऐड करेंगे जो डेबिट किए हुए थे वो डेबिट नहीं जो डेबिट किए हुए थे वो डेबिट नहीं होने चाहिए और एक म्यूजिक हमने और बनाया था याद करो उस उसके अंदर सेक्शन नंबर फिफ्टी के अंदर अगर अगर पिक्चर बाकी है तो या तो गेन आएगा या डब्ल्यू डी भी आएगी लोस कभी भी नहीं आएगा ये म्यूजिक हमने बनाया था एक म्यूजिक हमने हाउस प्रॉपर्टी के अंदर बनाया था याद कर लो वो जीएबी की कैलकुलेशन वाला

भाई साहब ये हमारा म्यूजिक पे। अगर ए आर है तो ए आर ही जी वी होगा कॉपी हाइट कॉपी राइट है तो कह रहा है ये तो हमें म्यूजिक बहुत अच्छा लग रहा है हमें आने वाली मूवी हमारी आ रही है उस मूवी के अंदर हमें म्यूजिक डालना है मैं कह रही बताओ बच्चों क्या कहते हो डाल दे म्यूजिक में क्या बच्च, सारे सब बच्चों ने बोला हाँ हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बीस लाख रुपए की सर रॉयल्टी ले लो अब मुद्दा ही निकल के आ रहा है कि जो ये पैसा मैं लूंगा उस पर जीएसटी सामने म्यूजिक कंपनी पे करेगी मैं पे नहीं करूंगा क्योंकि हम म्यूजिक कंपोजर हैं हमने म्यूजिक कंपोज है सामने वाली कंपनी म्यूजिक कंपनी है वो जीएसटी पे करेगी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जी क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी क्या मेरी बात समझ में आ रही है कोई दिक्कत तो नहीं है जी ठीक है जी चलो बहुत बढ़िया हां ग्रैमी ग्रैमी तो बहुत छोटी बात बोलती ग्रैमी बच्चा अगर ग्रैमी लेके आएंगे ग्रैमी से ऊपर भी कोई वोड होगा वो भी हमें कोई ना दे माय <laughs> गॉड <laughs> oh अपनी बेजती खुद कर लेनी चाहिए अगर कोई दूसरा हमारी बेजती के बारे में सोचे भी तो उससे पहले अपनी बेजती खुद ही कर लो देखो अगर तुम अपनी बेस्ती खुद कर लोगे ना दूसरे वाले की बेजती तुम्हें फील ही नहीं होगी कूल भाई जिंदगी एक बार है ऐसी शाम आएगी जिससे सुबह ही नहीं होगी मस्त जीए दम, से ये नहीं मान लो बुरा किसी का भी फिर पॉइंट 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 पर आओ अब ये क्लियर है कॉपीराइट वाला तो इसमें जीएसटी कौन पे करेगा सामने वाली पार्टी पे करेगी अब यहां पर ना एक पॉइंट और है ओथर टू पब्लिशर वाला अब ओथर टू पब्लिशर वाले केस में याद है कुमार विश्वास आपको क्लास में एग्जांपल दिया था कुमार विश्वास का अगर आपने नाम सुना हो, कुमार विश्वास का तो उसकी ना एक वो है क्या नाम है उसका कुमार विश्वास का ना एक वो कविता है कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है तू मुझसे दूर कैसी है मैं तुझसे दूर कैसा हूँ ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है और भाई साहब कुमार विश्वास की कविता है अब कुमार विश्वास कविताएं भी गाता है और कुमार विश्वास किताबें भी लिखता है अब कविताएं गाने वाली सर्विस अलग है किताबें लिखने वाला काम अलग है अभी तक क्या था ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में ऑलवेज रिवर्स चार्ज था तो कुमार कुमार विश्वास ने बोला कि साहब मैं किताबें भी लिखता हूं साथ में कविताएं भी गाता हूं तो ना अब उसमें क्या उसमें तो जीएसटी मैं पे करता हूं वो सर्विस मेरी फॉरवर्ड चार्ज में है और ये ऑथर टू पब्लिशर वाली सर्विस मेरी रिवर्स चार्ज में है तो फाइनली गवर्नमेंट ने यहां पर एक ऑप्शन दे दिया फाइनली गवर्नमेंट ने यहां पर एक ऑप्शन दे दिया और ऑप्शन क्या हाँ दिया गवर्नमेंट ने कहा सुनो मेरी बात अगर ऑथर पब्लिशर है तो इस पर हम ऑप्शन दे रहे हैं क्या ऑप्शन दे रहे हैं वैसे तो आरसीएम है बट अगर कोई बंदा फॉरवर्ड चार्ज वाला भी ऑप्शन लेना चाहता हो तो ले सकता है मतलब यहां पे कुमार विश्वास भी अब जीएसटी पे कर सकता है गवर्नमेंट बात कहना चाह रही है देखो यहां पे क्या लिखे जी। अब तो ख्वाब में आना छोड़ दो अब कौन सा हम साथ हैं तेरे साथ भी बर्बाद हैं तेरे बाद भी बर्बाद हैं तो फाइव फिर तुम स्टार्टिंग से बर्बाद थे फिर उसमें उसका कोई कसूर नहीं है अभी अभी उसका कोई कसूर ही नहीं है तुम तो उसके साथ भी बर्बाद थे बाद भी बर्बाद हो तो उसके बाद भी अगर बर्बाद ही हो तो फिर उसकी वजह से बर्बाद नहीं हुए ना ये बर्बादी हमारी स्टार्टिंग से चलती चलती आ रही है नालायक चलो इधर सुनो ध्यान से अगले पॉइंट पर आओ तो, तो कोई दिक्कत तो नहीं है देखो यहाँ पे क्या लिखा है आरसीएम नोट एप्लीकेबल अगर आप एक डिक्लेरेशन फाइल करके दे दोगे अगर एक डिक्लेरेशन फाइल करके दे दोगे उस केस में गवर्नमेंट के लिए आरसीएम नहीं लगेगा फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन एप्लीकेबल हो जाएगा बस ये पर ध्यान दो जी फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन एप्लीकेबल हो जाएगा बस ये बात ध्यान दो मैं <laughs> कह रहा यार इतनी दिल से शायरी लिखी थी यार ये कोई बात थोड़ा होती है सर नहीं नहीं सो आई एम आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग बुरी है मोहब्बत मोहब्बत बुरी है बुरी है मोहब्बत मोहब्बत बुरी है लोग कहे जा रहे हैं किए जा रहे हैं मुझे तो मोहब्बत रुमाल बनाने वालों की साजिश लगती है तुम्हें क्या लगता है मुझे तो मोहब्बत रुमाल बनाने वालों की साजिश लगती है जिसको भी देखा रोते हुए ही देखा ठीक है जी चलो अब अगले पॉइंट पर आओ अगले पॉइंट पर आओ अब अगले पॉइंट पर आओ ये हमारा कंप्लीट हो गया कॉपी वाला अब कॉपी में दो केस आ रहे हैं सर एक बच्चा कह रहा है क्रक्स सर मैं क्रक्स फाइंड आउट कर रहा हूँ क्रक्स सुनो क्रक्स क्या देखो क्रक्स बता रहा हूं क्रक्स ये निकल के आ रहा है म्यूजिक कंपोजर वाले केस में ठीक है या फोटोग्राफर वाले केस में ऑलवेज आरसीएम है ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में आरसीएम है बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करना है तो ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में तुम डिक्लेरेशन देकर फॉरवर्ड चार्ज के अंदर भी जीएसटी पे कर सकते हो बस ये पर ध्यान दो क्या मेरे पास समझ में आ रही है, जी? क्या मेरे में आ रही है जी? ठीक है जी चलो अब अगले पॉइंट पे आओ जी अगले पॉइंट पर आओ अगले पॉइंट पर अब अगले पॉइंट पर आओ अगला पॉइंट कहना क्या चाह रहा है

दूसरी सर्विस अगर इंडिविजुअल डीएसए अगर इंडिविजुअल अगर सर्विस देगा बैंक को अच्छा इंडिविजुअल कौन होता है मतलब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट याद आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नॉर्मली मॉल के बाहर बेचते हुए मिल जाते हैं तो वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं बैंकों की तरफ से बैंकों के एजेंट होते हैं तो अगर मान लो वो इंडिविजुअल डीएसए अगर सर्विस दे रहे बैंक को मतलब उनके बिहाफ पे क्रेडिट कार्ड बेचता है तो रो भी कमीशन मिलती है बैंक वाले जीएसटी पे करते हैं वो इंडिविजुअल डीएसटी जीएसटी पे नहीं करता तीसरा बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंक को सर्विस देगा तो फिर बैंक वाले जीएसटी पे करेंगे बिजनेस फैसिलिटेटर जीएसटी पे नहीं करेगा फिर अगर बिजनेस कोरसपोडेंट का एजेंट अगर बिजनेस कोरसपोन्डेंट को सर्विस देगा तो बिजनेस कोरोस्पोडेंट जीएसटी पे करेंगे बिजनेस कोर्सपोडेंट का एजेंट जीएसटी पे नहीं करेगा और लास्ट में निकल के आ रहा है अगर ओवरसिंग कमेटी के मेंबर अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सर्विस देंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जीएसटी पे करेगा ओवरसिंग कमेटी के मेंबर जीएसटी पे नहीं करेंगे बच्च अगर सर कसम लगे भगवान की बस एक पॉइंट हमें समझ में आया रिकवरी एजेंट वाला वो समझ में आया अगला पॉइंट हमें समझ में डीएसए वाला भी थोड़ा बहुत आ गया कि जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं वो सर्विस देते हैं बैंक वालों को बट ये बिजनेस फैसिलिटेटर और ये बिजनेस कोसपोडेंट क्या होते हैं सर अब जो रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे उनको मैंने क्लास में बताया था ये दो लोग होते हैं जो बैंकों को ना बैंकों का बिजनेस इंक्रीज करते हैं देखो आर बैंकों का ना बैंकों वाला बिजनेस नहीं रह गया आर बैंकों में इंश्योरेंस सर्विस भी है इन्वेस्टमेंट सर्विस भी है म्यूचुअल फंड सर्विस भी है काफी सर्विस है तो बैंकों को अपने काम बढ़ाने हैं तो बैंक क्या करते हैं आगे लोग अपॉइंट करते हैं बैंक अपॉइंट करते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक अपॉइंट करते हैं बिजनेस कोर्सेंट इन दोनों के भी फिर आगे एजेंट होते हैं ये खुद भी काम नहीं करते इनके भी आगे एजेंट होते हैं तो अब ये सर्विस दे किस को रहे हैं बैंकों तो गवर्नमेंट ने कहा अगर बिजनेस फैसिलिटेटर अगर सर्विस दे रहे है बैंक को तो बैंक जीएसटी पे करेगा वो सामने वाला पे नहीं करेगा बट 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 अगर बिजनेस कोरसपोडेंट अगर सर्विस देगा बैंक को तो यहां रिवर्स चार्ज नहीं है यहां रिवर्स चार्ज नहीं है बट अगर बिजनेस बिजनेसेंट का एजेंट अगर बिजनेस कोरसपोंडेंट को सर्विस देगा तो यहां पे आरसीएम लगेगा बिजनेस कोरसपोडेंट जीएसटी पे करेगा बस यहाँ ध्यान दो और याद करो मैंने क्लास में कहा भी था और सारा पैसा बैंकों का किसके पास होता है कहाँ है इज मेंबर ऑफ ओवरसिंग कमेटी अगर है उसने सर्विस दी आरबीआई को पैसा लगाना कहाँ है? है? है, 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 है तो उस पर जीएसटी कौन पे करेगा आरबीआई पे करेगा यहां पर गवर्नमेंट कहना चाह रही है बस ये बात ध्यान चेक करो जी ये सिर्फ ऑथर के लिए सिर्फ ऑथर के लिए ना है देखो यहाँ पे रिकवरी एजेंट अगर बैंक को सर्विस देगा तो बैंक जीएसटी पे करेगा इंडिविजुअल डीएसए अगर सर्विस देगा बैंक को तो फिर बैंक जीएसटी पे करेगा अगर बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंक को सर्विस देगा तो आरसीएम लगेगा ठीक है ना बट अगर एजेंट अगर एजेंट सर्विस देगा बिजनेस कोर्स को तो यहाँ पे आरसीएम लगेगा बस ये ध्यान दो तो. और अगर ओवरसिंग कमेटी के मेंबर अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सर्विस देंगे तो उसके इसके अंदर भी आरसीएम लग जाएगा ये पांच सर्विस ऐसी हैं बैंकिंग सेक्टर वाली जहां पर आरसीएम लगेगा बस ये ध्यान दो तो क्या मेरे पास समय बे इम्तहा मोहब्बत कर लीजिए किताबों से क्योंकि एक किताबें ही ऐसी हैं जो विववा नहीं होती बच्चा कह रहा है ओ माय गॉड हम डर गए थे सर आपने एकदम क्या बोला ठीक है तो ये पॉइंट आपके यहां पे निकल के आ रहे हैं अब मेरे को बताओ पहले याद भी आ रहा है हमने कितनी सर्विस कर ली है याद कराऊं तुम्हें याद कराऊं याद, करा याद कराता हूं देखो सबसे पहला आ, पहला हमने किया स्पॉन्सरशिप की सर्विस ठीक है

रिकवरी एजेंट वाला हो गया फिर इंडिविजुअल डीएसए वाला हो गया बहुत बढ़िया और बताओ और बताओ फराबर से और बताओ और 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 और, और। अगले पॉइंट पर आओ इंडिविजुअल डीएसए के बाद अगला अगला पॉइंट कौन सा है अगला पॉइंट आ रहा है आपका बिजनेस फैसिलिटेटर वाला ठीक है जी फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है आपका बिजनेस कोरस्पोडेंट के एजेंट अगर वो सर्विस देंगे बिजनेस कोरस्पोंडेंट को और फिर ओवरसिंग कमेटी के मेंबर ये आई थिंक यही वाला है ना तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस दस एंट्री हमारी हो चुकी है दस एंट्री हमारी हो चुकी है अब एक बार फटाफट से आ रहा हो अगली एंट्री हमारी कौन सी है एक बार फटाफट दस एंट्री हमारी हो चुकी है अब अगले पॉइंट पर आओ अगली एंट्री जो हमारी निकल के आ रही है वो आ रही है कौन सी हाँ रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल अब रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल वाले केस में क्या चाहिए याद आपको मैंने कहा था रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल वाले केस में दो केस होते हैं जो रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल की सर्विस है ना इसमें दो केस हैं। या तो इन्होंने पांच परसेंट वाला ऑप्शन लिया होगा या बारह परसेंट वाला ऑप्शन लिया होगा अगर इन्होंने बारह परसेंट वाला ऑप्शन लिया है तो ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज लगेगा आरसीएम नहीं लगेगा और अगर पांच परसेंट वाला ऑप्शन लिया है तो गवर्मेंट अगर इस केस में आरसीएम की बातें हो सकती है तो एक बार चक्कर यहां पे क्या लिखा है देखो जी अगर रेंटिंग सर्विस है अगर ऑप्शन लिया बारह परसेंट वाला आरसीएम नॉट एप्लीकेबल एफ सी एम अपई अगर पांच परसेंट वाला है अगर पांच परसेंट वाला है तो उस केस में अगर पांच परसेंट वाला है तो अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है या सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है मतलब अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है मतलब सप्लाई करने वाला कंपनी है तो फिर आरसीएम नहीं लगेगा अगर सप्लायर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है मतलब इंडिविजुअल है पार्टनरशिप फॉर्म है और रेसिपियन बॉडी कॉर्पोरेट है मतलब सप्लायर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है बॉडी कॉर्पोरेट है उस केस में लगेगा आरसीएम रिसीवर जीएसटी पे करेगा और अगर सप्लायर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है और रिसीवर भी नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा फिर फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा बस ये पास ध्यान दो ये डायग्राम आपको दिया हुआ है ये नोट्स भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा फिर अगर आपको डाउनलोड करने आप इजिली डाउनलोड कर सकते हो मैंने क्लास के अंदर डायग्राम बनाए हुए हैं आपको डायग्राम से और बढ़िया समझ में आ जाएगा ठीक है ना आपको डायग्राम से और बढ़िया समझ में आ जाएगा तो देखो सिंपल सी बात यहाँ पे लिखी है अगर सप्लायर आपका बॉडी कॉर्पोरेट है फिर तो फॉरवर्ड चार्ज ही है अगर सप्लायर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है और वो सर्विस दे रहा है बॉडी कॉर्पोरेट को फिर आरसीएम है अगर सप्लायर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है रिसीवर भी नॉन बॉडी कॉर्पोरेट होगा फिर फॉरवर्ड चार्ज की बातें होंगी बस ये पर ध्यान दो जी क्या मेरे पास में आ रही है जी? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है अभी क्लास के बाद भेज दूंगा जी क्लास के बाद डाल दूंगा क्लास के बाद ठीक है जी चलो अब अगले पॉइंट पर आओ अगले सर्विस कौन सी है अगले सर्विस है लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है एग्जाम के लिए किसी काम की नहीं है और इतना एग्जाम के अंदर कभी बनी भी नहीं है लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या आपको पता है मैंने क्लास में एग्जाम्पल दिया था कि आज आप अपने शेयर को किराए पर भी दे सकते हो अपने शेयर को लेंट आउट भी कर सकते हो मतलब उधार पर भी दे सकते हो तो और ये सारा काम किसके हो रहा है सेबी के थ्रू हो रहा है तो अगर मान लो किसी लेंडर ने अपनी सिक्योरिटी मतलब शेयर डिवेंचर बोन्स अगर ये लेंट आउट कर दिए मतलब किराए पर दे दिए लोन पर दे दिए तो फिर बोरो जीएसटी पे करेगा उस पर लैंडर जीएसटी पे नहीं करेगा बस ये ध्यान दो तो मैं सेल करने की बात नहीं कर रहा सेल करने की बात नहीं कर रहा मैं किराए पर देने की बात कर रहा हूं लोन पे देने की बात कर रहा हूं तो अगर अपनी सिक्योरिटी को आप लेट आउट कर लेंट आउट कर देते हो तो सामने वाला बोरो जीएसटी पे करेगा लैंडर जीएसटी पे नहीं करेगा बस ये पर ध्यान दोज ठीक है यस बिल्कुल सही बात है रही अगले पॉइंट पर आओ जी अगली सर्विस फिर हमारी कौन सी है नेक्स्ट सर्विस जो हमारी निकल के आ रही है नेक्स्ट सर्विस यहां पे निकल के आ रही है हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई ये इंपॉर्टेंट है इधर सुनो ध्यान से ये वाली सर्विस इंपॉर्टेंट है ये वाली सर्विस इंपॉर्टेंट है ध्यान सुना इस इस वाली सर्विस में अब यहां पर मैं क्या लिखा है अगर सुनो अगर किसी पर्सन ने रेंटिंग की रेंकी, रेंकी है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की रेजिडेंशियल डवेलिंग की रेंटिंग की है रजिस्टर्ड पर्सन को बिजनेस पर्पज के लिए बहुत ध्यान सुना बहुत ध्यान सुना आप यहां पे एग्जाम में गलती करके आओगे इसकी एंट्री एग्जामेशन में भी है अगर रेंटिंग की है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की रहने वाले के लिए तीन आर अगर सेटिस्फाइड हैं तो ये सर्विस एग्जाम रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस तो ये सर्विस एग्जाम चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन को दियो चाहे वो अनरजिस्टर्ड को दियो बट अगर रेंटिंग की है रेजिडेंशियल ट्वेलिंग की रजिस्टर्ड पर्सन को बिजनेस के लिए कॉमर्स के लिए तो जीएसटी लगेगा और वो आरसीएम में जीएसटी लगेगा बस इस पर दोबारा बोलूंगा आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनेगा जी ओवरसिंग कमेटी एक ऐसी कमेटी होती है जो इंडिया से बाहर बनाई गई है कंसल्टेंसी के लिए कि बैंकों को पैसा इन्वेस्ट कहां करना है अब बताओ मैं एक बार दोबारा बोलूंगा इधर सुनो ध्यान से क्या बोला मैंने रेंटिंग की सर्विस किसकी रेंटिंग रेजिडेंशियल डिवेलिंग रेजिडेंशियल डिवेलिंग और अगर वो रहने के पर्पज के लिए फॉर रेजिडेंस है, है तो गवर्नमेंट ने कहा एग्जाम है चाहे वो किसी को भी दियो आरपी को या यू को एग्जाम अगर रहने के लिए रहने वाला घर किराए पर दिया ना एग्जाम है बट अगर रहने वाला घर अगर रहने के लिए किराए पर नहीं दिया बिजनेस कॉमर्स पर्पज के लिए किसी रजिस्टर्ड पर्सन को तो गवर्नमेंट ने फिर वो नहीं है वो अप्लिकेबल उस केस में अप्लिकेबल लगेगा। और डन कोई दिक्कत तो नहीं है बहुत बढ़िया जी वेरी गुड तो क्या निकल के आ रहा है बताओ क्रक्स क्या निकल के आ रहा है रहने वाला घर अगर रहने के लिए किराए पर दोगे तो एग्जाम रहने वाला घर अगर बिजनेस के लिए किराए पर दोगे रजिस्टर्ड पर्सन को तो जीएसटी लगेगा और वो आर में जीएसटी लगेगा बस ये पर ध्यान दो ठीक है नी अगले पॉइंट पर आओ अब एक बार यहां पे चेक करना देखो कौन कौन से हो गए इंपोर्ट ऑफ सर्विस अच्छा इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर भी तो आर सी है ये तो आपको मैंने पहले बता ही दिया था अगर आप बाहर से कोई सर्विस इंपोर्ट करते हो अगर बाहर से कोई भी सर्विस इंपोर्ट करोगे तो उस सर्विस पर आर लगेगा तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला पॉइंट हो गया जी हम कल करेंगे एडवोकेट हम कल करेंगे आरबीटल ट्रिब्यूनल की सर्विस ये भी हम कल करेंगे स्पॉन्सरशिप की सर्विस हो गई डायरेक्टर की सर्विस हो गई इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस हमारी हो गई रिकवरी एजेंट हो गई कॉपी हो गई ऑथर टू पब्लिशर हो गया फिर फिर आपका गवर्नमेंट की सर्विस हम कल करेंगे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल हो गया मेंबर ऑफ ओवरसिंग कमेटी हो गया इंडिविजुअल डी हो गया बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंक हो गया बिजनेस कोरस्पोंडेंट का एजेंट टू बिजनेस कोरस्पोंडेंट हो गया लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी हो गया अब ये हाँ रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल ये भी हो गया अब ये दो पॉइंट हमारे बैलेंस बचे हैं ये वाला और एक ये वाला ये दो पॉइंट हमारे बैलेंस बचे हैं ठीक है जी यूआरपी 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 को को दिया दिया बिजनेस के लिए तो तो बात है अगर को दिया और अगर और सामने वाला भी फिर तो जीएसटी वैसे ही नहीं है ना और अगर सामने वाला आरपी है तो फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी लगेगा अच्छा चलो अब यहाँ पे आओ जी अब देखो दो केस यहां पे निकल के आ रहे हैं एक दो केस हैं ये दोनों के दोनों रियल एस्टेट से रिलेटेड है एक बात को बताओ आज हम आज जो बड़े बड़े बिल्डर है ना अब उन बड़े बड़े बिल्डर को ना कई लोग प्रॉपर्टी जो है वो लीज पे दे देते हैं याद आपको मैंने क्लास में एग्जाम्पल दिया था कि आज जो गुड़गाव के अंदर बिग फोर सी फर्म्स हैं तो बिग फोर सी फर्म्स के ऑफिस जो है वो सारे के सारे लीज पे लिए ली हुए हैं आज गुड़गांव में आधे ऑफिस ऐसे हैं जो सारे के सारे लीज पर चल रहे हैं अब गवर्नमेंट वही कहना चाह रही है अगर आपने अगर आपने बिल्डिंग लीज पे दी है प्रॉपर्टी लीज पे दी है तीस साल या उससे ज्यादा तो सामने वाला बिल्डर जो होगा वो जीएसटी पे करेगा जो लीज पर दे रहा है वो जीएसटी पे नहीं करेगा बट अगर लीज 30 साल से कम की है तो फॉरवर्ड चार्ज में एप्लीकेबल है तीस साल उससे ऊपर की होगी तो रिवर्स चार्ज में एप्लीकेबल होगी बस पर ध्यान दो तो देखो यहां पर क्या लिखा है अगर लीज मोर देन थर्टी ईयर की है तो फिर आरसीएम एप्लीकेबल होगी रिसीवर जीएसटी पे करेगा सप्लायर जीएसटी पे नहीं करेगा जी। अच्छा मेरी क्लास में क्या कोई सिंगल बच्चा ऐसा है जो इनकम टैक्स का सेक्शन नंबर फोर्टी फाइव फाइव ए थोड़ा सा बता दे फोर्टी फाइव फाइव ए में क्या था याद है फोर्टी फाइव फाइव ए फोर्टी फाइव फाइव ए में क्या था ए फोर्टी फाइव फाइव में था एक लैंड है मेरे पास उस लैंड पर एक बिल्डर मेरे पास आया उसने कहा इस पर मैं बिल्डिंग बना देता हूँ दस फ्लोर बनाऊंगा दो फ्लोर तुम ले लेना आठ फ्लोर मैं हो गया मैंने कहा तुझे क्या चाहिए उसने कहा चालीस परसेंट लैंड मेरे नाम पे ट्रांसफर कर देना अब मैंने उसको लैंड दी उसने बदले में दो फ्लोर मेरे को दिए थे याद है तो मैंने क्या किया उस लैंड पर एक बिल्डिंग खड़ी करने का राइट right ट्रांसफर कर दिया दैट इज ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट तो अगला पॉइंट वही है जी। अगला पॉइंट वही निकल के आ रहा है अगला पॉइंट दैट इज जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट याद करो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट तो अगर अगला पॉइंट वही है कि अगर आपने अपनी लैंड पर

और एक सर्विस मेरी हो रहा है यहाँ पे एक सर्विस मेरी हो है दिव्या पीजीपी के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं है पीजीपी के चैप्टर में सिर्फ एक, एक लाइन की वो इतनी काम की भी नहीं है बट जब मैं वो कराऊंगा क्लिप डाल दूंगा अदरवाइज पूरा पीजीपीपी सेम है उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं है ये बात ध्यान दो ठीक है इस बार बस मेन अमेंडमेंट जो है ना वो डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में आई है डिफॉल्ट के अंदर आई है सैलरी के अंदर थोड़ी बहुत आई है ठीक है और बाकी तो ऑलमोस्ट छोटी मोटी ऐसा कोई अमेंडमेंट खास है नहीं है और जीएसटी में तो ना के बराबर ही जीएसटी के अंदर कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है ठीक है जी तो ये अब कार है जॉइंट डेवलपमेंट अच्छा एक सर्विस हमारी और रह गई ओशन फ्रेट की सर्विस जो समुंदर होते हैं उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है तो ओशन फ्रेट जो होती है ओशन फ्रेट की सर्विस पर भी गवर्नमेंट के लिए आरसीएम लगेगा बस ये पर ध्यान दो ठीक है अब हम ऐसा करते हैं एक बार सारे बच्चे सीधों के बैठ जाओ दस बज गए हैं और हमारा काम भी हो गया अब देखता हूं कितने बच्चों को याद है कसम लगे मात्रा नी की एक मिनट रुको अब मैं ऐसा कर नहीं रहा तब करूंगा अगर कोई बच्चा नहीं बोलेगा मेरे हाथ में इसम शक्तियां ध्यान रखना शक्तियां खोल दूंगा ठीक है तो सारे बच्चे फटाफट से बोलेंगे अब सारे बच्चे फटाफट से बोलो जी जल्दी बोलो आठ गुड्स बताओ आठ गुड्स कौन कौन से पहले गुड्स बताओ कैशू नट्स नोट शेल्डो नोट पील्ड फिर बीड़ी रैपर रेपर टबैको लीव्स हो गया सिल्क यन हो गया रो कॉटन हो गया लोटरी हो गया और यूज व्हीकल हो गया और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट हो गया तो ये हमारे आठ गुड्स हो गए अब सर्विस में कौन कौन से निकल के आ रही है इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया अपना स्पॉन्सरशिप की सर्विस हो गया इंश्योरेंस की इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस हो गया डायरेक्टर की सर्विस हो गया और 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 कॉपीराइट की सर्विस हो गया ऑथर टू पब्लिशर की सर्विस हो गया और 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 अपना इंडिविजुअल डीएसए की सर्विस हो गया रिकवरी एजेंट की सर्विस हो गया बिजनेस फैसिलिटर की सर्विस हो गया बिजनेस कोरस्पोंडेंट का एजेंट की सर्विस हो गया फिर ओवर कमेटी के मेंबर की सर्विस हो गया ओशन फ्रेट की सर्विस हो गया रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल की सर्विस हो गया और लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी की सर्विस हो गया और लीज मोर देन थर्टी ईयर की सर्विस हो गया और ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट ये सर्विस हो गया और कौन सी हो गया जी और मेरे ख्याल से हमारी सारी सर्विस हाँ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर बिजनेस कॉमर्स पर्पज के लिए दिया है रजिस्टर्ड पर्सन को तो वो सर्विस हमारी हो गया तो आई थिंक सारी सर्विस हमारी हो चुकी है और कुछ सर्विस हमारी बैलेंस बची है एडवोकेट वाली लीगल सर्विस हो गया गवर्नमेंट वाली हो गया और जीटीए वाली हो गया इसको हम कल वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये तीनों के तीनों एग्जामिशन से बहुत जबरदस्त इंटरलिंक करती हैं तो कल वाली क्लास में आराम से इन तीनों को समझेंगे और कल ही इसके एक बार हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चन हमारे कौन से हैं क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी पक्का पक्का बहुत बढ़िया जी कोशिश मेरी है कि बीस अप्रैल तक मैं निबेड़ दूंगा जी बीस अप्रैल तक उन्नीस अप्रैल तक हम कोशिश करेंगे खत्म कर देंगे इसको कोशिश करेंगे आपको उससे पहले खत्म कर दूंगा बिल्कुल टेंशन मत लो डायरेक्टर वाला पॉइंट एक बार दोबारा बोल देता हूं डायरेक्टर अगर कंपनी का एम्प्लॉई नहीं है तो तो जीएसटी लगेगा और आरसीएम में लगेगा अगर वो एम्प्लॉई है मिलने वाला पैसा सैलरी है तो जीएसटी नहीं है एम्प्लॉई है मिलने वाला पैसा सैलरी नहीं है फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर सिटिंग फीस है या प्रोफेशनल फीस है तो जीएसटी लगेगा और वो आरसीएम में जीएसटी लगेगा बस ये पर ध्यान दोजे ग़ज़ल नहीं है बट क्वेश्चन बन जाते हैं उसमें से नहीं है बट क्वेश्चन बन ठीक है जी चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे अब हम कल वाली क्लास में और आपने लाइक अगर नहीं किया कट्टी कर दूंगा देख लेना लाइक और कमेंट आपने जरूर करना है क्वेश्चन बैंक मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है सारे बच्चे उसको डाउनलोड कर लो और जितनी प्रैक्टिस हो सकती है अभी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस साथ में करते रहो सारा तो नहीं हो पाएगा बहुत हैवी क्वेश्चन बैंक है बट मैंने तुम्हें भंडार दे दिया उससे बाहर कुछ नहीं है ठीक है जितना हो पा रहा है उतना करते रहो ये उसको देख के टेंशन में नहीं आना डिप्रेशन में नहीं आना स्ट्रेस में नहीं, नहीं आना ठीक है ना नहीं तो फिर मैं तुम्हें सौ डेढ़ पेज का देता ठीक है तो उसमें जो जो क्वेश्चन तुम्हारे से होते रहते हैं वो करते रहो बाकी कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें मार्क करके दे दूंगा बट जितने हो रहे हैं वो करते रहो बाकी मिलेंगे कल वाली क्लास में ओके जी बाय बाय टाटा थैंक यू सो मच जय हिंद और कल हाँ छः बजे अनाउंसमेंट सुन लेना ध्यान से बहुत तरीके से और क्या करना है सबके साथ शेयर करनी है मैं जिस जिस ग्रुप में हूँ ना मेरे को हर ग्रुप में दिखनी चाहिए वो अनाउंसमेंट मैं नहीं तुम शेयर करोगे बस ये पर ध्यान दो ठीक है वादा ओके री बाय बाय टेक केयर गॉड ब्लेस यू लव यू ऑल बाय बाय